मॉर्निंग मॉर्निंग राइड इन दिस ब्लू बीस्ट, और ये ब्लू बीस्ट का कुछ अलग ही फील है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, और मेरा चूल खराब हो चुका है। हेयर बाल चूल एक ही होता है भाई साहब। अभी मॉर्निंग व्लॉग का शुरुआत कर रहे हैं हम कॉफी पी के, और साथियों का कहना है कि कॉफी जो है काफी मजेदार है। और आज सुबह सुबह हम निकले, सुबह उठे थे 6 बजे और 6:30 को घर से निकले, समझ रहे हो ना। आनंद ने नया नया बाइक लिया तो काफी जोश है मॉर्निंग मॉर्निंग बाइक चलाने का, तो इसलिए हमने सोचा चलो निकल जाते हैं। ये बात अलग है कि हमें व्लॉग करना है। ऑल वीकेंड सो कॉफी वॉज काफी मजेदार एज यूजुअल। सुबह सुबह कॉफी पीने का अलग ही मजा है। बाय द वे, आई एम नॉट अ कॉफी लवर, आई एम अ चाय लवर, समझ रहे हो। सो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल डी व्लॉग्स बेबी। और अभी फिलहाल हम लोग MC रोड पे, समझ रहे हो। एंड ऑल्सो वी हैव द ब्लू बीस्ट ओवर हियर मैन। लो पहुंच गए हम, पहुंच गए अपने जगह पे। और गाइस, यहाँ से धूप आ रहा है, यहाँ से छाँव आ रहा है। तो अभी का सीन क्या है गाइस, हम लोग आए हैं बेलीव्यू पे। एक्चुअली क्या है ना कि सुबह सुबह निकलने का कुछ अलग ही फील है, प्लस बहुत दिन से सुबह में निकला नहीं हो और उठा भी नहीं हो। तो लास्ट ब्लॉग में इस बाइक को बहुत सारा अच्छा व्यूज मिला है, और मुझे पता था कि मिलेगा भी बोल के, तो इसके कारण काफी मैंने इंक्वायरीज काफी माने औखों में आते किसे आप उन्हीं। मतलब बहुत सारा इंक्वायरी आ रहा था कि भाई प्राइस कितना लिया, एंड मैंने बाइक को क्यों नहीं चलाया, सिनेमेटिक व्यूज का है। तो मैंने भाई अलग ब्लॉग के लिए इसको बचा के रखा था, तो आज ही के ब्लॉग के लिए मैंने बचा के रखा था इसको। बाइक को भी आज चलाएंगे और प्राइस भी बताएंगे, सिनेमेटिक भी देंगे, सब देंगे आपको, आज सब फील देंगे, टेंशन नहीं लेने देंगे। और तो खरीद के भी देंगे, लेकिन बिल जो है शंकर सर के नाम पे आएगा। समझ रहे हो। तो थोड़ी देर में ब्लॉग को शुरू करते, ब्लॉग को शुरू कब का हो चुका है यार। तो इसका जो प्राइस आया था ना गाइस, तो वो आया था कुछ 1,77,000, मतलब कि 1,77,000 और 1,77,000 एक ही होता है। तो काफी लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई इसको डाउन पेमेंट आप लोगों ने कितना दिया। हम लोगों ने दिया डाउन पेमेंट 80, और मंथली आई गेस अराउंड 3,700 या 3,800 कुछ इंस्टॉलमेंट आता है 3 साल के लिए। तो ये कुछ सीन है और बाकी कुछ नहीं भाई। और ये ब्लू बीस्ट को कुछ अलग ही फील आता है भाई, नया में हर बाइक का फील अलग ही रहता है जैसे कि आप लोगों को पता है। और यहाँ पे बहुत गंभीर डिस्कशन कर रहे हैं हमारे दोनों भाई लोग, और यहाँ पे शंकर सर फर्स्ट टाइम बाइक चलाते हुए, और आनंद जी का क्या बोलता है दिल धक 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 करते हुए, गियर भी नहीं पता नीचे एक नंबर है ना, हाँ एक नंबर है, और बाकी सब ऊपर। फिर ऊपर करते करते ऊपर मत जाना, वापस यहीं पे आना, ओके। अरे एक नंबर में सर, एक नंबर देखो, एक नंबर है ना ये, एक नंबर में जब न्यूटन में रहता है तो स्ट्रेट रहता है। क्लास छोड़नी, राम 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 राम। पहले गुरु देखो, नया ड्राइवर लोगों का कैसा होता है आपको पता है ना गाइस, जैसे कि कहीं बाइक को जैसे कि जब स्कूटी पार्क करना होता है, लड़की लोगों का कैसा होता है जब स्कूटी पार्क करना होता है ना, तो क्या करते हैं वहां तक पहुंच के डेस्टिनेशन तक, उसके बाद स्टार्ट करके उन लोग नहीं सकते, तो इसलिए धक्का मार मार के पार्क करते है ना। वैसे हमारे शंकर सर घुरा रहे हैं। कम ऑन, पीछे का ब्रेक मारो। सो नाउ इट्स टाइम टू राइड दिस बीस्ट, मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग राइड इन दिस ब्लू बीस्ट। और ये ब्लू बीस्ट का कुछ अलग ही फील है भाई। चलो निकलते हैं। और जब भी नया बाइक चलाओगे ना कुछ अलग ही वो आता है। अरे यार ये V3 का ना यही प्रॉब्लम है भाई, कभी भी मतलब ऐसे डाउन वॉच में ना आप बैठ के नहीं खड़ा सकते हो। चलो भाई स्टार्ट आई बिलीव। और नया नया बीस्ट चलाने का ना कुछ अलग ही फील रहता है, मतलब कुछ भी बाइक हो नया नया चलाने का कुछ अलग ही फील रहता है। एंड ऑल्सो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई आपने बाइक को क्यों नहीं चलाया। लो भाई अभी चला रहे हैं। एंड लास्ट ब्लॉग में जब हम लोगों ने इस ब्लू बीस्ट का जब डिलीवरी लिया था ना, तो उस वक्त जो है काफ़ी लोग मतलब कमेंट कर रहे थे कि भाई ना ही आपने सिनेमेटिक शॉट दिया, ना ही आपने बाइक को चलाया,
यही रीजन के कारण था वेकेंस। एंड हमारा बीस्ट यहाँ पे। एंड ये बाइक जो है काफ़ी स्मूथ लग रहा है। अब इसके बाद जब मैं अपने बाइक में जब शिफ्ट करूँगा ना, तो भाई मेरे को इतना रफ लगने वाला है ना बाइक, क्या ही बताए। एंड ऑल्सो एक रिमाइंडर, 18 अक्टूबर का मेरा बर्थडे है और बर्थडे से पहले 100 के करना है। एंड ऑल्सो जब मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ ना गाइस, अपलोड करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दिया करो। मतलब कि जब लाइक और व्यूज़ का जब एवरेज जब मिलेगा ना, तब जाके जो है मेरा व्लॉग और चलेगा, समझ रहे हो। तो इसके कारण प्यार दिखाओ, प्यार बरसाओ, आपको भाई को प्यार बताओ। कंट्रोल। और जब सवेरे सवेरे हम उठ के इस सिटी साइड में आते हैं ना, तो कुछ अलग ही एक पीस मिलता है। और मतलब कि जब हम इवनिंग को आते तो कैसा होता है, पूरा भीड़ भड़ाका ट्रैफिक, मतलब एक डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए मान के चलो 10 मिनट का रास्ता लग जाता है, आधा घंटा से 40 मिनट। पर सुबह देखो भाई, वो 10 मिनट का रास्ता भी 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। जैसे कि अभी भी देखो पूरा खाली है, अभी भी घर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे हम लोग। एंड ऑल्सो मैंने जो है 19 ईयर्स के एज में अपने पैसे से बाइक कैसे लिया, इसके बारे में काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि भाई इसके बारे में ब्लॉग बनाओ, इसके बारे में ब्लॉग बनाओ। तो उसके बारे में भी ब्लॉग बहुत जल्द बनाएंगे। ओ भाई अरे बेटे, नया बाइक है, नया बाइक है, 91 नहीं जाना है भाई, भूल गया मैं। जोश जोश में भाई पूरा लेके जा रहा था भाई, भूल चुका। आई एम सॉरी ब्लू बीस्ट, आई एम सॉरी। चलो मिलते हैं, दुआ में याद रखना। काम में जाओगे राइट ना? बिच कितना बज गया, 8:08 बजते गए। चलो अभी अपना बाइक चला के बहुत ही रफ लगने वाला है, चलो। तो भाई ओके, तो आनंद को जो है उसको जाना है जॉब पे, और जॉब को हमेशा पहला प्रायोरिटी देना है, ये मैं आपको काफ़ी बार कह चुका हूँ। क्योंकि जब आप काम को इज्जत करोगे तो काम भी आपको इज्जत करेगा। वेट बेबी वेट। और गाइस, एंड ऑल्सो जो है ना गाइस, बाइक को यहाँ पे कर दिया है पार्क। और मेरा ये पीछे का जो इंडिकेटर है ना, ये लेफ्ट साइड वाला, इसको ख़राब हो गया, उसको भी चेंज करना है। एंड बाइक का कंडीशन देखो भाई, काफ़ी गंदा हो चुका है, क्या ही बताए, कुछ नहीं बताना। क्या बोले सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड, हमें तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, भूल गया, सुबह सुबह उठा था मैं। गुड मॉर्निंग वैकेंस। और अभी आए हम लोग शंकर सर के क्लास पे, और यहाँ पे थोड़ा देर चिल मारेंगे, मॉर्निंग वाला चिल मारेंगे। उसके बाद में देखते क्या करना है, आज का कुछ प्लान नहीं है। ये फैन है और ये हम हैं, और यहाँ पे हम हवा खा रहे हैं। ओके विकेंड, सो यहाँ पे रुक के कुछ फ़ायदा नहीं था, फ़ायदा मतलब इन द सेंस वहाँ पे बैठा तो मैं बैठ के करूँगा यहाँ पे। इससे तो मैं घर में जाकर ये जो व्लॉग मैंने सुबह से जो शूट किया उसका एडिट करता हूँ, अगर इनकेस और निकलता हूँ तो फिर व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ, वही सोच रहा था। एंड ऑल्सो घर में जाकर ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा, यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमेशा टाइम को जो है यूटिलाइज़ करना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसलिए गया और फिर सोचा कि भाई इससे घर ही चला जाता हूँ, तो अभी घर जाएंगे। चलो भाई काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका है वो चंद्रपुर इंतजाम, हम ही जानते हैं। एक बार पिकनिक आए नहीं यार, ज़्यादा ज़्यादा नेपाली में भी दे रहा है। चंद्रपुर जानते मिलती है नहीं, रास्ते कॉमन वैसे।